माता पिता के महत्व के बारे में क्या जानते हो पुत्र? किसी भी व्यक्ति के जन्म के पश्चात तीन लोग महत्वपूर्ण होते हैं, माता, पिता और गुरु। गुरु से बड़े पिता होते हैं, क्योंकि पिता को 100 गुरु के बराबर माना गया है, परंतु माँ का स्थान पिता से भी बड़ा होता है, क्योंकि 100 पिता मिलकर भी एक माँ का स्थान नहीं ले सकते। सत्य कहा पुत्र, संसार में माता का स्थान सबसे बड़ा होता है। संतान की जिज्ञासा को धैर्य के साथ, सही तर्क और उत्तर के साथ संबोधित करना अति आवश्यक है। यदि माता पिता ही उत्तर ना देकर क्रोधित होंगे तो संतान की जिज्ञासा संभवतः उन्हें ऐसी दिशा में ले जा सकती है जो उचित ना हो। जन्म देना ही माता पिता का एकमात्र कर्तव्य नहीं होता, उन्हें अपनी संतान के व्यक्तित्व का सुधार भी करना होता है। पूजा वो विधि है जिसके द्वारा हम अपनी ऊर्जा को एकत्रित कर ब्रह्मांड की महा ऊर्जा से जोड़ते हैं। ब्रह्मांड की महा ऊर्जा से जुड़ने के पश्चात ही एकाग्रता आती है। एकाग्रता हमारे लिए ज्ञान के द्वार खोलते, ज्ञान हमें शरीर और भौतिक संसार की निरर्थकता समझाते, हमें व्यष्टि से समष्टि की ओर ले जाता। हमारा मन स्वार्थ, क्रोध, काम और अन्य कामनाओं से उठकर हमें वास्तविकता के समीप ले जाता, जहां इस समस्त संसार का सत्य नहीं है। अपने अंतर से मुक्त होकर हम जितना बाहर देखेंगे उतना ही भटकेंगे, और भटकने का अर्थ है पाप की ओर अग्रसर होना, क्योंकि तुम्हारे बाहर खड़ा भौतिक संसार तुम्हें आवश्यकताओं द्वारा सदैव भटकाने हेतु तत्पर रहता है। वो तुम्हारे सामने आवश्यकताएं पैदा करता चला जाएगा और तुम उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उचित और अनुचित को भूलकर कब पाप कर्मों में लिप्त हो जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए केवल ज्ञान ही व्यक्ति का और समाज का हित कर सकता है, किंतु यह तभी संभव है जब इसे निष्काम भावना से प्राप्त किया जा सके। परिश्रम से हमें भोजन प्राप्त होता है और उससे हमारी शुद्धता मिटती है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने पेट की शुदा को मिटाना नहीं होता, हमारे जीवन का उद्देश्य है इस जन्म ईश्वर के और समीप आना। और ये केवल आत्मा के विकास से ही संभव है, और आत्मा का विकास केवल चिंतन, मनन, संगीत और सत्संग से ही संभव होता है। आत्मा का यही विकास मनुष्य को उसकी मनुष्यता से उबार कर ईश्वरत्व की ओर ले जाता है। इसलिए केवल यह सोचना कि जो परिश्रम नहीं कर रहे वो आलसी, ये उचित नहीं।
त्याग।